नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। यम का दीपक कुछ लोग धनतेरस के दिन जलाते हैं तो कई जगह नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाने से यमराज खुश हो जाते हैं और यम के द्वार दी गई यातनाएं भी कम हो जाती है। ऐसे में इस दिन सभी को यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि यम का दीपक कैसे जलाते हैं, तो यहाँ हम आपको यम का दीपक जलाने की विधि बता रहे हैं, जो सरल तो है ही, साथ में पौराणिक भी है। सबसे पहले एक चौकी या पाटा ले लें, उसे अच्छी तरह साफ करके गाय के गोबर से या फिर गाय का गोबर उपलब्ध न हो तो हल्दी से चौकी या पट्टी का लेपन करें। इसके बाद आटे से उस पर स्वास्तिक बनाएं। इसके बाद कच्ची या पक्की मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इसके बाद दीपक में चार बत्तियां लगानी है। दीपक के अंदर जहां चारों बत्तियां आपस में मिलेगी, वहां एक कौड़ी रखें। इसके बाद दीपक में सरसों या तिल्ली का तेल डाल दें। इसके बाद एक थाली में इतना अनाज लेना है जितने आपके घर के सदस्य एक समय में खा सकते हैं। आप चावल भी ले सकते हैं। दीपक को उस अनाज की थाली पर रखकर प्रज्वलित करें। इसके बाद दीपक की रोली मोली चावल और पुष्प से पूजा करें। दीपक को भोग के रूप में दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग करें। इसके बाद पट्टे पर आपके घर में जितने सदस्य हैं, उतने सिक्के रखें। फिर घर के सभी सदस्य इस दीपक की परिक्रमा करें। जब घर के सभी काम हो जाए तो इसके बाद उस दीपक को घर के मुख्य द्वार के बाईं तरफ रखें या फिर दक्षिण दिशा में रखें और घर के सभी सदस्यों की दीर्घायु की कामना करें। ध्यान रहे, दीपक को मुख्य द्वार या दक्षिण दिशा में रखने के बाद घर का कोई सदस्य इसे ना देखे और ना ही घर से बाहर जाए। अगले दिन सुबह दीपक की कौड़ी को साफ करके रख लें। इसे अगली बार भी प्रयोग में ले सकती हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल फैंटास्टिक डॉग्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।